काशीवासी हैं और बाबा के नियमित दर्शनार्थी हैं। 22 साल से हम लोग बाबा का प्रतिदिन दर्शन किया जाता है भोर में 4 बजे। आज तीसरा दिन है जो व्यास जी का तहखाना है, उसमें जो पूजा स्टार्ट हुई है, तीसरा दिन है, आपने दर्शन किया, क्या कहेंगे? और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, ज्ञान वापी तलगिरी नाम रख दिया, क्या कहेंगे? दिव्य दर्शन होता है बाबा का, वहाँ से अभी चैनल के बाहर से दर्शन हो रहा है सभी लोगों को, दर्शन शानदार दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। तीनों दिन से लगातार दर्शन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर है ये। योगी जी और जो न्यायालय की तरफ से जो हुआ है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत खुश है, पूरे काशीवासी और पूरे देश के लोग खुश हैं। राम मंदिर बनने से जितने लोग खुश हैं वो यहाँ पे दर्शन से खुश हैं। कितने दिन से जो बंद था, 21 साल से लगभग वो बंद था, पूजा स्टार्ट दर्शन, हाँ प्रतिदिन से दर्शन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य है ये। जो काशीवासी हैं बाबा के भक्त हैं उनको बाबा के इस स्वरूप का भी दर्शन यहाँ पे हो रहा है। बहुत अच्छा, महादेव 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 प्रसादे बाबा साहब, महादेव महादेव महादेव। मेरा नाम विभव तिवारी है सर, बनारस के हैं आप? जी जी, बनारस से, शिवपुर, शिवपुर साइड से है। डेली में मतलब 12 किलोमीटर यहाँ से है डेली, वहाँ से हम लोग सुबह 2:30 बजे भोर में उठते हैं और यहाँ 3:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। सर दर्शन किया आपने आज तीसरा दिन है, हाँ जी जी, बस वो बता नहीं सकते, जो अंदर जो मन के अंदर जो फील हो रहा है ना, वो अनुभूति आपको बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और मतलब ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, जबकि 92-93 से उसके पहले डेली दर्शन होता था, लेकिन वो जो सरकार थी वो सरकार ने अचानक यहाँ पे दर्शन ही बंद कर दिया। तो वो चीज़ मीन्स जो मोदी जी और योगी जी ने किया है ना, उनको बाबा का आशीर्वाद हमेशा प्रदान हो। फाइनली जो कोर्ट से ऑर्डर, हाँ हुआ, तीसरा दिन है, आप लग रहा है पहले दिन से उसका दर्शन कर, हाँ पहले दिन से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी बाहर से ही हो रहा है, खाली पंडित जी अंदर जो है अपने पुजारी वो अपना भोग वोग लगा रहे हैं। फिर जहाँ तक हमने न्यूज में देखा है कि 7 दिन के बाद DM के आदेश के अनुसार जैसा कार्य होगा उसे लोग अंदर जाने लगेंगे। 5 टाइम का आरती भी डिसाइड कर दिया गया, हाँ 5 टाइम का भोग आरती सब रहा, ये सब शयन आरती सब उनका हो रहा है और प्रशासन भी इसमें बहुत अच्छे से सहयोग कर रही है, सबको अच्छे से दर्शन मतलब प्राप्त हो रहा है। अरे हम लोग हर हर महादेव, हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरा नाम संजय केसरी है सर, क्या गुड नेम है? मेरा नाम संजय केसरी है। संजय सर क्या कहेंगे दर्शन को लेकर? और जैसे हमारे विभू मित्र, विभू भाई ने कहा, मेरे मित्र ने, कि आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए गर्व और खुशी का एहसास है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन एक एहसास यही होता था कि एक ये तो हमारा दर्शन का जगह छूटा हुआ है। हम लोग जो नित्य दर्शन करते चले आ रहे थे सुबह से, वो हमारा छूटा हुआ है, खुल जाने से हमको बहुत खुशी है। हम चाहेंगे कि बाबा इसी तरह हमारे सामने रहें और आने वाले समय में हमको और इससे बड़ी खुशी मिले। पहले दिन से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है वहाँ पे, क्या कैसा लग रहा है वो देखकर और दर्शन करके? ये एक अपने आप में बहुत बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया प्रशासन ने, जो वहाँ अखंड रामायण का पाठ करा रहे हैं अंदर बैठ के, और हमको भी लग रहा है कि बाबा जल्दी से जल्दी जागे वहाँ पे। हालांकि वहाँ नमाज वगैरह और ये चाहेंगे कि वहाँ नमाज बंद हो, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये देव स्थान है, ये पूजा स्थल है और यहाँ नमाज का कोई जगह नहीं है। हम तो यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी किसी तरह से भी कोर्ट का आदेश आवे और यहाँ से नमाज सब कुछ बंद होकर के पुनः जो हिंदू सनातन संस्कृति की हमारी चली आ रही थी यहाँ परंपरा वो स्थापित हो और हिंदू गौरव, हिंदू गर्व वापस आवे।